Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay, today our second video lecture, but subject is essays, standard 7. Subject essays, lesson number 1, medieval in Gujarat. After Diwali, hamara essays mein first video lecture the term 2 ka. Okay. टर्म टू में आपको 1 से 12 तक लेसन है. टर्म 1 में कितने थे? 1 से 9 थे. सो इसमें 1 से 12 है. ओके, सो वी स्टार्ट लेसन नंबर 1, मेडिएवल गुजरात. पेज नंबर 1, सी योर बुक. आप बुक में देख सकते हो कि मेडिएवल गुजरात, यानी ये आप देखो, आपको एक ऐसे मैट जैसे कि चद्दर होती है वैसे आपको ये पिक्चर दिया हुआ है. तो ये क्या है? पटोला है. किस यानी सिटी का या कंट्री का? तो है तो गुजरात. गुजरात में पाटन है डिस्ट्रिक्ट, वहां का ये पटोला है. ओके, तो हम उसके बारे में देखेंगे. मेडिएवल गुजरात यानी गुजरात के जो मेडिएवल है उसमें क्या क्या है, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है टेम्पल्स है और कौन कौन से कार्विंग होती है, वो सब है. ओके, सो फर्स्ट वी रीड. अ मैन रोम अबाउट अ विलेज स्ट्रीट प्लेइंग अ सॉन्ग ऑन हिज रावण हथा. अ ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वॉज ऑल्सो रोमिंग अलोंग विथ हिम. एक मैन था, ठीक है, वो घूम रहा था विलेज में, विलेज की जो स्ट्रीट है ना, गलियां, वहां पे प्लेइंग अ सॉन्ग, सॉन्ग गा रहा था. ऑन हिज रावण हथा एंड बाउंड वायोलिन था उसके हाथ में, वायोलिन से वो अपना सुर ताल में गा रहा था. अ ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन का, छोटे बच्चों का एक ग्रुप था. वॉज ऑल्सो यानी वो भी उसके साथ घूम रहे थे. ही कंटिन्यू टू सिंग द सेम रिपीटेडली. वो कंटिन्यू सेम ही सॉन्ग गा रहा था और वो रिपीट कर रहा था. द वर्ड्स ऑफ विच वे, जिसके वर्ड्स क्या है? चेला जीरे पाटन थी पटोला मोंगा लाउचो. क्या है? चेला जीरे पाटन थी पटोला मोंगा लाउचो, यानी पाटन के कौन सा स्पेशल है, पटोले होते हैं वो स्पेशल होते हैं. अमोंग द चिल्ड्रन, ये सब बच्चों में से वो सेंग अलोंग विद द सिंगर वॉज प्रतीक. जो गा रहा था उसका नेम क्या था? प्रतीक. When he returned home, जब वो होम में रिटर्न हुआ, घर तरफ गया, he asked his grandfather, उसने अपने पापा से, grandfather sorry, दादू से पूछा, about the patola of Patan, Patan के पटोले के बारे में. प्रतीक्ष grandfather had a wealth of historical anecdotes. प्रतीक के जो grandfather थे, उन्होंने had a wealth of, उनके पास मीन संपत्ति थी, किसकी? historical मीन्स ऐतिहासिक एनेकॉर्ड्स यानी उपख्यान के, यानी बहुत सारी जानकारियां थी. व्हाइल टेलिंग प्रतीक अबाउट पटोला के बारे में उसने पूछा, जब ही इन्फॉर्म हिम, उन्होंने उसको इन्फॉर्म किया अबाउट द हिस्टोरिकल सिटी अणहिलवाड़ पाटन, यानी पाटन का नाम आई थिंक पहले अणहिलवाड़ पाटन था, तो उसके बारे में इन्फॉर्म किया यानी बताया. इन द मेडिएवल एज, मेडिएवल एज में मीन्स मध्य युग बोलते हैं, बीच का. अप्रोक्सीमेट अबाउट 560 ईयर्स अगो, पहले द चावड़ा सोलंकी वागीला डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात. किसका चल रहा था गुजरात में? चावड़ा सोलंकी और वागीला डायनेस्टी यानी वंश, यानी इन सब के रूल चलते थे. ड्यूरिंग दे रैन, उनके टाइम पे कैपिटल ऑफ द किंगडम, उनकी जो किंगडम की जो कैपिटल है वो कौन सी थी? अणहिलपुर पाटन. विच लेटर कम टू बी, जो जिसको हम बाद में किस नाम से पहचानते हैं? अणहिलवाड़ पाटन. करंटली अनावड़ा विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन, के वेस्ट में है अनवाड़ा विलेज, गांव है, जिसको हम ओरिजिनली नॉन एज अणहिलवाड़, जिसको हम ओरिजिनली क्या कह सकते हैं? अणहिलवाड़. ओके, नेक्स्ट वेज. अकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, चावड़ा डायनेस्टी रूल ओवर पंचसान तक चली. इट्स रूल जयशिखारी अटेंड किया उन्होंने, मीन्स मार्टियर डाउन यानी जो शहीद होते हैं ना वार में, वहां तक.
एंड हिज सन, और उनके सन थे वनराज चावड़ा। रिकैप्चर किया उन्होंने फादर का किंगडम, द प्लेस ऑफ द रिनिंग किंगडम, उन्होंने पूरा जो राज्य था वो तबाही मचा दी वहाँ पे। स्टेब्लिश न्यू किंगडम स्टेब्लिश यानी फाउंड हुआ ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, सॉरी सरस्वती रिवर है वहाँ पे, विच वॉज नॉन एज, जिसे क्या कहते हैं, अनहिलवाड़ पाटन। इट इज बिलीव दैट, आप मान सकते हो कि हिज फ्रेंड, उनका जो फ्रेंड अनहिलवाड़ असिस्टेड किया यानी उसको हेल्प सहायता की हिम इन एक्यूरिंग द किंगडम, कि वो जो किंगडम है वो एक्यूर यानी प्राप्त कैसे करना है, मिलेगा कैसे, गेटअप कैसे करना है। एंड हेंस द टेरिटरी वॉज नेम्ड, और उसकी जो टेरिटरी थी जिसका नाम था अनहिलवाड़ पाटन आफ्टर हिम। उसके बाद चावड़ा डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात में चले फॉर अप्रोक्सीमेटली कितने ईयर्स तक, 196 ईयर्स तक। देन आफ्टर सोलंकी डायनेस्टी आई, देन क्या हुआ सोलंकी डायनेस्टी। अभी देखो, ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकम वेरी प्रॉस्परस बन गया, मीन समृद्ध बन गया। राजपूत ईरा सो अनहिलवाड़ पाटन इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। राजपूत ईरा है ना, उन्होंने देखा कि अनहिलवाड़ पाटन इमर्ज यानी इसमें बिजी है एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम में। द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी का जो किंग था वो था मूलराज सोलंकी, बिंदे सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल, वेर अमंग द ग्रेट रूलर्स, ये सब ग्रेट रूलर्स थे। फेमस स्कॉलर वहाँ का कौन था, स्कॉलर मीन्स विद्वान, तो कलिका सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य थे। वॉस पेट्रोनीस यानी जिन्होंने संरक्षण यानी बचा था ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह के टाइम, रूल के टाइम में। ड्यूरिंग हिज राइन, उनके राइन के टाइम अनहिलवाड़ पाटन बिकम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन का बन गया एंड वॉज नॉन एज, और उसे क्या कहा गया, विद्याधाम कहा गया। ऑन हिज प्रपोजल, और उसके प्रपोजल के ऊपर श्री हेमचंद्राचार्य ने बुक लिखी थी, रॉट अ बुक ऑन ग्रामर में, सिद्धेव शब्द नु शासन, ये वाली बुक लिखी थी। आफ्टर इट्स कम्प्लीशन, उसके कम्प्लीशन यानी समापन के बाद, बुक वॉज प्लेस ऑन अ सीट, बुक ने अपनी ऐसी जगह बना दी टाई ऑन टू एन एलिफेंट, एंड प्रोजिशन वॉज कैरी थ्रू आउट द सिटी, यानी पूरी सिटी में इसकी प्रोजिशन यानी जुलूस जो होता है ना वो निकला। बौद्ध किंग, हाथी के ऊपर ऐसे निकालता, बौद्ध किंग दोनों राजा सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर हेमचंद्राचार्य अकंपनी द प्रोजिशन ऑन फुट, उन्होंने ये जो जुलूस है वो ऑन फुट यानी चलते चलते निकाला। इतना बड़ा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम क्या हुआ दैट लिटरली टेक्स्ट वॉज गिवन सच इनॉर्मस रिस्पेक्ट, उन्होंने ये जो क्या था टेक्स्ट था इसको गिवन सच इनॉर्मस बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी थी। प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुजरात रीच, ये जो गुजरात की जो प्रॉस्पेरिटी है समृद्धि है वो रीच पहुंची एक एपेक्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ कुमार पाल तक। एट दिस टाइम, उस टाइम पे एमएलए की मिशन हुआ, मीन्स जोर दिया गया नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, प्रोस्पेरिटी यानी लक्ष्मी बोलते, और एजुकेशन सरस्वती, तीनों को नोटिस इन अनहिलवाड़ पाटन, अनहिलवाड़ पाटन में इसको क्या किया गया, नोटिस दिया गया। द किंग ऑफ सोलंकी डायनेस्टी के ग्रेट रूलर थे, हाउ एवर सिक्स ऑफ दिस रूलर, इसमें से जो सिक्स रूलर थे रिनाउंस देयर थ्रोन टू बिकम हर्मिट, उन्होंने उपन्यास भी किए यानी उपदेश भी दिए, हर्मिट यानी त्याग भी दिया अपने राजगद्दी का भी। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइब्रेरी, और आपको इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाइब्रेरी में से, बुक में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन पेज नंबर 3 हमारा, पेज नंबर 3 आप ये देख सकते हो सिद्धेव शब्द अनुसार बुक ये थी। ओके, देन आएगा थिंग्स टू नो, नो करना है यानी नहीं करना है। देन
फिर नंबर थ्री में आएगा अनहिल्बर पार्टर है नॉट ओनली डायनामिक किंग। अनहिल्बर पार्टर में ना ही डायनामिक किंग थे, यानी डायनामिक यानी गतिशील, यानी इतनी अच्छी तरीके से पावर एम्पावरमेंट से वो कर रहे हैं, ना ही किंग थे। एंड एकेडमिशियन विद्वान भी थे, बट द क्वींस वेर ऑल्सो इक्वली डायनामिक। बट उनके साथ जो क्वीन यानी जो रानियां होती हैं वो भी इक्वली डायनामिक थी, यानी इतने पावरफुल थे। इनफैक्ट क्वीन उद्यमती बिल्ट, क्वीन उद्यमती ने क्या किया था, बिल्ड किया था स्टेप वेल फॉर अ वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट। किस लिए, कल्याण के लिए, उनका जो सब्जेक्ट था विषय था उनके लिए। दिस स्टेप वेल इज नॉन एस रानकीवा, और ये जो स्टेप वेल था ना वो किस नाम से जाना जाता है, रानी की वाव। दिस स्टेप वेल, ये जो स्टेप वेल है कंसिस्टिंग उसमें 7 लेवल है, इज ए अनपैरेलल एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है, ठीक है। द ब्यूटीफुल कार्व स्टोन आइडल टेलर, ब्यूटीफुल कार्व स्टोन है और जो आइडल जो मूर्तियां हैं वो हमें बताती है टेलर्स ऑफ द ग्लोरी, चमक और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोलंकी ईरा की जो प्रॉस्पेरिटी थी उनके बारे में। क्वीन मिनल देवी किंग सिद्रा जैसी मदर, सिद्रा जैसी है उनकी मदर कौन थी, मिनल देवी, जिन्होंने कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में कंसर्न यानी ध्यान दिया कल्याण के बारे में। एंड वेव द पिलग्रिम टैक्स, पिलग्रिम टैक्स यानी यात्राओं की जो टैक्स होती है ना वो वेव करना यानी माफ करना। क्यों, क्योंकि जैसे कि लोग जाते हैं यात्रा धाम तो वो अच्छे काम के लिए जाते हैं, कोई बुरा काम है ये नहीं होता है, वो अपने पुण्य के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो टैक्स लगता है तो वो क्या कर देना है, वेव कर देना यानी माफ कर देना, फ्री ऑफ कर देना है। माला लेक एक दौड़का में एंड मिंसा लेक एक विराम गांव में है जो कंस्ट्रक्ट हुआ है उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, कौन, मिनल देवी के। सरसरलिंग लेक ऑफ पाटन में है जो कंस्ट्रक्ट हुआ ड्यूरिंग द टाइम किंग सिद्रा जयसिंह के टाइम पे, ओके। हम देख सकते हैं मिंसा लेक और ये कौन है, नाइकी देवी, नाइकी देवी के बारे में अभी आपका आएगा, ओके। मुंसर लेक आप देख सकते हो। देन हमारा है हिस्ट्री ऑफ अनहिल्बर पाटन इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ ब्रेव, हिस्ट्री जो अनहिल्बर पाटन की है ना वो किससे जुड़ी हुई है, नेम ऑफ ब्रेव यानी बहादुर हीरोइक लेडी है एक। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अजयपाल के डेथ के बाद हिज सन बीइंग टू यंग, उनके जो सन थे वो यंग हो गए, वी नाइकी देवी उनकी मदर थी, टू कवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली थी किंगडम की। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे शाहबुद्दीन गोरी क्रॉस द डेजर्ट उन्होंने क्रॉस किया एंड अटैक किया गुजरात को, वी नाइकी देवी लेड द आर्मी ऑफ गुजरात, वी नाइकी देवी ने क्या किया अपने साथ आर्मी ऑफ गुजरात की आर्मी लेके into the battle ये लड़ाई में and successfully defeated शाहबुद्दीन गोरी को सफलता से हराया। After the सोलंकी dynasty के बाद वाघेला dynasty का रूल चला, पहले किसका था, चावड़ा, फिर वाघेला, फिर सॉरी सोलंकी dynasty, फिर वाघेला dynasty, पहले चावड़ा थी फिर सोलंकी थी अभी वाघेला डायनेस्टी आएगी, ओके। तो लास्ट टाइम पीरियड था वाघेला डायनेस्टी का, करण देव वाघेला जिसने डेफिटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी को हराया एंड इट ब्रॉट टू द एंड ऑफ राजपूत रूल ओवर अनहिल्बर पाटन में चला। लेटर एंड उसके बाद फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अनहिल्बर पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात की कैपिटल बन के जस्ट फॉर अ नेम चेक के लिए। ड्यूरिंग द सुल्ताने ईरा के अहमद शाह स्टेब्लिश किया अहमदाबाद, अहमद शाह ने क्या स्टेब्लिश किया, अहमदाबाद सिटी हमारी, कौन से 1411 सीई में। देर आफ्टर पाटन कीज्ड बीइंग
पाटण क्या हुआ रहा, बट कैपिटल ऑफ गुजरात एंड बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ सुबागिरी डिस्ट्रिक्ट बन गया एंड द सुल्तान रूल ओवर गुजरात का जो सुल्तान रूल था थ्रू द 15th सेंचुरी के थ्रू एंड टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी तक चला। ड्यूरिंग दिस इरा में नोटेबल सुल्तान लाइक यानी नोटेबल होकर सुल्तान जैसे कि अहमद शाह, महमूद बेगड़ा एंड मुजफ्फर शाह रूल ओवर गुजरात में चला हुआ। एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में मुगल डायनेस्टी स्टेब्लिश किया उन्होंने इटसेल्फ ओवर गुजरात एंड देयर आफ्टर मेनी अदर किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ गुजरात। गुजरात में जो छोटे छोटे जो दूसरे किंगडम है ना उसको भी स्टेब्लिश किया था। ओके देन एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट आएगा आपका। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सोलंकी ईरा द किंग वॉज मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। किंग जो थे वो मोस्ट पावरफुल थे सब में। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द किंगडम के हैंडल हुए डिफरेंट मिनिस्टर के थ्रू। मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर नॉन एज महामत्य थे हु लुक आफ्टर द जिन्होंने पूरा देखा फाइनेंस डिपार्टमेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन का नॉन एज मंडल। कैपिटल ऑफ दिस किंगडम की थी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती के वहां पे एंड इट वॉज नॉन एज सरस्वती मंडल कहते हैं उसे। द सबसेक्शन था मंडल का जिसे कहते हैं पथक। देयर वर सेवरल पथक यानी सच पथक विच एक्सिस्टेड विद इन देयर फोल्ड। उनके फोल्ड के थ्रू में हुए मंडल सच एज कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेटक मंडल, लाट मंडल, मेड़पाक मंडल वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम में दिखाए गए थे। ओके यानी ये सब डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ ये मंडल जुड़े हुए हैं मींस मिनिस्टर के जैसा है। देन हमारा पॉइंट है आर्किटेक्चर एंड कल्चर। मैनी पीपल फॉलो शिविज्म इन गुजरात में ड्यूरिंग द सोलंकी ईरा के टाइम पे। एट दिस टाइम सोमनाथ वाज अ प्राइम सेंटर ऑफ शिविज्म का था। वाइल द्वारका फेमस था पिलग्रिम सेंटर। सोमनाथ किस लिए था शिव का था और द्वारका फेमस पिलग्रिम सेंटर था गॉड वैष्णव का विष्णु। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म रिड्यूस बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस असर थी वो रिड्यूस हुई ड्यूरिंग द मेडिएवल एज में व्हाइल जैनिज्म गैदर और जैनिज्म ने गैदर यानी इकट्ठे करके मूवमेंट एज अ रिजल्ट मैनी मैग्निफिशेंट जो जैन टेम्पल थे बिल्ड हुए। दिस पीरियड ये पीरियड ऑल्सो सो द हम देख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर की स्कल्पचर एंड पेंटिंग। आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम एग्जिबिटेड राजस्थान स्टाइल ऑफ टेम्पल में कार्विंग थी। सन टेम्पल मोडेरा का विमल शाह जी टेम्पल आगू में है जो कंस्ट्रक्ट हुआ 11th सेंचुरी में। वाइल द रुद्र महालय टेम्पल इन द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल वे बिल्ड इन 12th सेंचुरी में हुआ एंड 13th सेंचुरी में हम देख सकते हैं दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है जो अटेन अ प्रोमिनेंट प्लेस है इन द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ इंडिया में। अलोंग विद उसके साथ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात का अदर आर्किटेक्चर दूसरे जो आर्किटेक्चर गुजरात के एंड अदर आर्किटेक्चर वर्क जैसे कि लेक फोर्ट गेटवे टेम्पल्स तोरण ऑल्सो इंक्लूडेड है। कीर्ति तोरण है तो वो वर्ण नगर में आया हुआ है। मनुस्क्रिप्ट उसका रिटर्न ऑन पाम लीव्स में है एंड मार्जिन ड्रॉन है उसके साथ 2-3 feet लॉन्ग और 2-3 inch लीव्स है वाइट लीव्स है और राइटिंग और ड्रॉइंग भी एग्जीक्यूटेड की गई है। ओके देन है अहमदाबाद बिकम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सुल्तान रेजिम में हुआ। मैनी बुक लिखी हुई थी पर्शियन में एंड मैनी वर्क इन गुजराती में भी हुआ था रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड में। मैनी फेमस मॉस्क्यू थी जिसमें सुल्तान एज वेल एज मुगल ईरा के टाइम पे भी फेमस सिद्दी सैयद ग्रेव सिद्दी सैयद की जाड़ी बोलते हैं जो अहमदाबाद में है एंड सरखेज रोजा मॉस्क्यू हैं कंस्ट्रक्टेड हुआ था। ओके तो बहुत सारा मेडिएवल एज में 560 ईयर्स के लिए गुजरात रूल ओवर बाय राजपूत डायनेस्टी तक चला एंड लेटर बाय सुल्तान ईरा एंड मुगल ईरा।
This is evident from the architecture's splendor and literary work for this period. Evident from architecture में से और literary work for this period से निकला हुआ है. Okay, here complete your lesson. Thank you.